कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मैं आई हुई हूँ लिंक रोड पे। मुझे कुछ ईद के ड्रेसेस लेने थे और साथ में समर शॉपिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करते हैं। आपको पता है बहुत गर्मी होती है और बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो चलिए आपको भी पता लग जाएगा कौन सी वैरायटी आई हुई है। जी ये फैक्ट्री आउटलेट है, ज़रूर विज़िट किया करें। जो भी फैक्ट्री आउटलेट होती है यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ड्रेसेस मिल जाते हैं। लाइक कोई 4000 का ड्रेस है तो वो आपको इजीली 15-16 की रेंज में मिल जाएगा, आप ज़रूर विज़िट किया। अच्छा जी, सारी ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी और रश बहुत ज़्यादा था। और जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को तो पता ही है, जब सेल लगती है और तो सभी शॉपिंग के लिए निकल आती हैं। खादी के भी बहुत रश था। क्या एक और जेलबरी, जेलबरी के मैंने खुद ड्रेसेस लिए हैं, जेलबरी के भी ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर यहाँ पे हैं तो जेलबरी पे भी ज़रूर विजिट किया करें। जी अमाना मॉल आ गया, आज जो है हम लोग अमाना मॉल का भी विजिट करेंगे। और जिससे हो गया जी, तो सबसे पहले मैं एंडियोर पे आई। एंडियोर पे भी सेल लगी हुई थी और मुझे एंडियोर के शूज़ बहुत पसंद हैं। यहाँ पे 50% भी सेल लगी हुई थी और 30% भी लगी हुई थी फ्लैट पे, सैंडल्स पे और जो फैंसी शूज़ होते हैं उस पे भी लगी हुई थी। जी तो ये फ्लैट पे भी 50% सेल लगी हुई थी और जो ये सैंडल्स हैं उन पर भी 50% सेल थी और ये ऑलमोस्ट आई थिंक आपको 3000 की रेंज तक मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम लोग स्टारलेट पे आ गए। ये ब्लैक वाला शूज़ तो मुझे बहुत पसंद आया था। एक्चुअली कोई भी फंक्शन नहीं है कि मैं ये शूज़ ले लेती और इतनी बड़ी हील मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने ये नहीं लिया। मैंने देखा था अगर इसमें कोई फ्लैट शूज़ होता इसी सेम डिज़ाइन में, मगर कोई भी नहीं था। अच्छा तो ये कोट शूज़ तो भी सेल लगी हुई थी और 800 के थे, 1200 के थे, 1500 के थे। ये बहुत अच्छे ट्राउज़र थे, वाइड में भी थे, चिकनकारी का ऊपर काम हुआ हुआ, तो चिकन के आपको पता है ट्राउज़र होते हैं, तो ये आप समर में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ स्किन कलर था, इसके अलावा बेल्ट वाले ट्राउज़र थे और ब्लैक कलर के भी ट्राउज़र थे और इनकी प्राइस जो है वो 1350 थी। इसके अलावा आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करके भी प्राइस कम कर सकते हैं। ये स्टॉल्स लगे हुए थे, ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा यहाँ से एक आधा तो यही लेती हूँ। और यहाँ पे अभी भी थोड़ी नई वैरायटी नहीं मुझे लग रही थी, लेकिन अच्छे थे वैसे। ये मेरे एक ड्रेस के साथ एयरिंग मैच हो गया था ब्लू वाला, तो मैंने ले लिया। बहुत अच्छी चूड़ियाँ लगी हुई थी, बच्चों की भी थी और बड़ों का भी साइज था, और मुझे अपनी छोटी सिस्टर के लिए लेनी थी। यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉलर्स भी लगे हुए थे और मैंने यहाँ से एक स्टॉलर लिया था, वो मैं आपको अपने शॉपिंग व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो लोग अमाना मॉल आ गए हैं। अच्छा मैं सबसे पहले यहीं पर आती हूँ क्योंकि सारी ब्रांड होती हैं और इतनी गर्मी में इधर उधर फिरना नहीं पड़ता। अगर कुछ ना मिले तो फिर बाहर वाली ब्रांड्स पे भी देख लेती हूँ, मगर एक दफ़ा अंदर ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो मैं लाइमलाइट आई। लाइमलाइट पे इतना रश था कि खड़े होने की भी जगह नहीं मिली थी। और कि एक अगर शर्ट आ गया ना तो उसका साइज़ नहीं है, या तो थोड़ी देर बाद किसी और ने वो उठा लिया या तो उसका साइज़ नहीं मिलता, इतना ज़्यादा रश था। जो ग्रीन कलर का कुर्ता है इसकी प्राइस है 3899। बाद बहुत अच्छे कुर्ते थे क्योंकि आपको पता है अगर
की शॉपिंग करनी हो ना स्टिच ड्रेसेस की और वो भी बच्चियों की, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप लाइमलाइट ज़रूर आएँ। और लाइमलाइट से बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर हमेशा यहीं से ड्रेसेस लेते हैं। तो ये ऑरेंज वाली शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी जो प्राइस है ये 900 की थी। ब्लू वाले की प्राइस भी 3900 थी। ये स्किन वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा था, अच्छा इसके ऊपर मैरून कलर की कढ़ाई बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जो ऑरेंज वाला ड्रेस है इसकी भी प्राइस 3899 है। ये जो ब्लू वाला है इसका मुझे जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगा, बट सिंपल सी थी मगर थी दिखने में। इसकी जो प्राइस 3800 थी। अच्छा जी, तो ये शर्ट्स लगी हुई थी में नहीं थी, ये थोड़ा सा रेशमी सा स्टफ। ब्लू वाला ड्रेस है इसके ऊपर येलो बहुत अच्छी कढ़ाई हुई थी येलो कलर की। इसकी जो प्राइस है वो 5000 थी। स्किन कलर का भी ड्रेस बहुत अच्छा था, इसके ऊपर ग्रीन और ये आपको पता है कि ग्रीन और पिंक कलर की कढ़ाई हुई है। इसके बाजू बहुत अच्छे मुझे लगे, लेकिन मुझे ये नहीं लेना था क्योंकि मुझे मेरे पास ग्रीन कलर था तो मुझे किसी और कलर का लेना था। और ये ऑरेंज ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट से कलर और डार्क कलर हर तरह के ड्रेसेस है, रेड मैरून शेड का ये भी बहुत अच्छा था। इसकी प्राइस भी 8000 की रेंज में थी आई थिंक। ग्रीन कलर का ये भी ग्रीन कंट्रास्ट के साथ था, इसकी भी प्राइस 1000 थी। और ये जो कलर का था इसके ऊपर बहुत लाइट सी कढ़ाई हुई थी पिंक कलर की, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। जी ये जो गोल्डन कलर का ड्रेस था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये थोड़ा रेशमी स्टफ था तो मुझे तो समर में लेना था, लॉन सिंपल लॉन लेनी थी। तो ये जो था ये 8999 रुपीज़ में था। अच्छा जी ये भी एक गोल्डन कलर का, इसके ऊपर ब्लैक कलर की कढ़ाई हुई है और साथ में वाइट ड्रेस था वो बहुत अच्छा था। मैं और ड्रेस मेरे पास पहले ही था, बिल्कुल सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था, मैंने लास्ट के बनाया था अपनी फ्रेंड की शादी पे तो ये मैंने नहीं लिया। अच्छा ये जो गोल्डन कलर ड्रेस था इसकी प्राइस थी 1000 थी। ये ट्राउजर्स लगे हुए थे और ना नहीं होता, आप अगर एक शर्ट पसंद करें साथ ही ट्राउजर्स से मैच कर लें ये भी बहुत अच्छा थी। तो ये अब वाइट शर्ट है ये भी बहुत अच्छी थी और साथ जो ग्रीन कलर है जी, तो मुझे ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा। इसके दामन का डिज़ाइन आप देखिए, इस पर दो कट्स लगे हुए हैं, बहुत ही सिंपल से अच्छे से लग रहे थे। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, 3200 थी। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और नेक आप देखिए, नेक पे इतना अच्छा काम हुआ। ये लाइट पर्पल है, ये भी 3-piece ड्रेस था और 5500 का था। और इसी जो जिंक कलर का है ये भी इसी प्राइस की रेंज में था। अच्छा जी, तो ये किड्स सेक्शन था, यहाँ पे भी 2-piece ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे समर कलेक्शन थी किड्स की भी। इसके बाद जी ये ब्लैक कलर का ड्रेस था, ये 2-piece था, फुल ब्लैक शर्ट थी और साथ में दुपट्टा आप देखें गोल्डन लाइंस के साथ है और ये 5700 का था।
अच्छा जी, तो उसके बाद ये ब्लू कलर का फ्रॉक था, उसके साथ बेल्ट भी थी और पैट ग्रीन कलर का ये भी फ्रॉक था। ये 8900 की रेंज में थे और ये जो है फ्रॉक इसके दरमियान में कट था। अच्छा जी, इसके जो स्लीव्स हैं उस पर बहुत अच्छा काम हुआ था, तिल्ला वर्क था और धागे का काम हुआ था, बहुत एलिगेंट सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, मेरा तो लाइमलाइट से ईद का ड्रेस हो गया था, वो मैं आपको अपने शॉपिंग हॉल वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो जी, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो आपको बताऊँ कि नीचे भी काफ़ी स्टॉल्स लगे होते हैं जिसमें किंग्स के परफ्यूम्स के काफ़ी स्टॉल्स लगे होते हैं, और यहाँ पे चिल्तनप्योर का भी स्टॉल लगा होता है। वहाँ पे मतलब सारे चिल्तनप्योर के अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, तब हम रंगजा पे आ गए थे। रंगजा के भी फ्रॉक्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे एक्चुअली इनके फ्रॉक्स बहुत पसंद है और इनके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इनके ट्राउजर्स में भी काफ़ी पैचेस और धागे वर्क का जो होता है काम हुआ होता है, थ्रेड वर्क हुआ होता है। इसके अलावा अच्छा, ये लॉन्ग फ्रॉक्स होती हैं और प्राइस भी आई थिंक रीज़नेबल होती है, क्योंकि आपको पता है स्टिचिंग में भी हम लोग अगर हम खाली कपड़ा भी लें, अनस्टिच लें, तो स्टिच में भी उतने पैसे लगे जाते हैं। अच्छा जी, तो ये येलो शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, इसके स्लीव्स बहुत मुझे अच्छे लगे, और ये जो पीछे वाली शर्ट ये भी बहुत फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी। इसके अलावा ये वाइट शर्ट ये भी बहुत सिंपल और एलिगेंट लग रही थी, सिर्फ नेक पे थोड़ा सा काम हुआ था और बाकी जो है वो सारा चिकन कारी का काम हुआ था। अच्छा जी, तो अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोग खाना खाने आ गए, बट क्राई पे आए थे। अच्छा, तो यहाँ की कई मुझे मेरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, और ये भी बताना है कि आप लोग शॉपिंग कहाँ से करते हैं, और आपने शॉपिंग शुरू कर लिया या फिर आपने अभी करनी है। अच्छा, ये तो मैं अपनी प्लेट भर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और मैं अपना शॉपिंग और भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।